नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को किसान आंदोलन का 19वां दिन है। इसके साथ ही आज से ही किसान नेताओं ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली बॉर्डर पर सोमवार यानी 14 दिसंबर को दिन भर के लिए अनशन कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सोमवार को दिन भर का उपवास रखेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि अहंकार छोड़कर और आंदोलनकारी किसानों की मांग के मुताबिक तीन कृषि कानून को रद्द करने की अपील की। सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर पिछले 18 दिन से चल रहे प्रदर्शनों में पंजाब और अन्य राज्यों से और किसानों का आना जाना जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार जल्द ही बैठक की नई नीति तय करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार मुद्दे का हल निकल जाएगा। सिंगू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि नेता अपने अपने स्थानों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में धरने दिए जाएंगे। प्रदर्शन इसी प्रकार चलता रहेगा। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए वंदे भारत।